रह चुके हैं उनका ये ग्रुप है, और साल में कंपटीशन के बाद इन सब अपकमिंग आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यही पार्ट ऑफ साज और आवाज़ ग्रुप का सेवेंथ शो है। कोविड के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन शोज़ किए थे और उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ऑडिटोरियम में या ऐसे छोटे छोटे हॉल में कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग थीम लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है, गज़ल लवर्स के लिए है, और आशा करती हूँ आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। मंजुगीता अलेगावकर शास्त्रीय संगीत में बहुत जाना माना नाम है, और सुरेंद्र अकोलकर सर जो सुगम संगीत में एक जाना माना नाम है पूना से, और ये दोनों आने के बाद हम तुरंत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इनके साथ हमारे ही ग्रुप के एक बड़े सिंगर बैठे हैं चंद्रशेखर फड़के जी, इनका भी आप स्वागत करेंगे। साउंड के लिए हमारे अमोल कोलेकर सर है, और यहाँ आप सबके बीच में बैठे हैं वो हमारे दोस्त है उमेश सावक। ये बहुत बड़ी हस्ती है, सीरियल्स का शूटिंग करते हैं, आज खास हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला है। मैं कलाकारों का परिचय करा दूं आपको। किशोरी दिनेश मेरे साथ बैठी है, विदुषी वीणाताई सहस्त्रबुद्धे जिनके शिष्या मशहूर शास्त्रीय गायिका सुलभा वैद्य, इनके पास शास्त्रीय संगीत की इन्होंने शिक्षा ली है। संगीत विशारद पदवी इन्होंने प्राप्त की है और अब अलंकार की तैयारी कर रही हैं। 18 साल से स्कूल में संगीत विषय को लेके ये शिक्षिका रह चुके हैं और अब ये सूर्यश्री कला निकेतन संस्था की संस्थापिका हैं। संगीत की शिक्षा बच्चों को दे रही है इस इनके संस्था के बैनर के अंडर, और बाल भारती महाराष्ट्र राज्य संस्था की भी एक सदस्य हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सिक्स स्टैंडर्ड तक स्कूल में संगीत विषय पर इनकी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, और नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड के जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते उनके लिए इन्होंने खास संगीत विषय के लिए कैरिकुलम बनाया है जो SSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे ग्रांट किया है। किशोरी दिनेश जी नमस्कार, आत्ताच मी पाहुण्यांना घेऊन आलो। आपल्यात खूप मोठा व्यक्ती म्हणजे आलेला आहे असं मी म्हणतो आहे का, कारण माझा मित्र आहे तो, पण ते आलेले आहेत असं म्हणायला पाहिजे। योगेश पावशे म्हणजे गजानन महाराज मंदिर जे आहे त्याचे ते ट्रस्टी आहेत। दुसरी ओळख म्हणजे ते श्री जगजीत सिंग जी आहेत त्यांचे मानसपुत्र आहेत, तर आपल्याला ते आज प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत, तर हे आपलं सगळ्यांचंच भाग्य आहे असं मला म्हणायला लागेल। मंजिरीताई आलेगावकर पण येणार आहेत, पण ते पावसामुळे अडकलेत, पण नक्कीच येतील ते लवकर, आणि याच्यापुढे सर तुमची आज्ञा घेऊन आम्ही चालू करतो। साथी है अनंत कल्याणी जी। अनंत जी ने सुगम संगीत की शिक्षा इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय नारायण कल्याणी इनके पास से ली है, जो बड़े अच्छे गायक थे, तो बचपन से ही इन्हें संगीत की रुचि इनमें पैदा हुई। फिर स्कूल जाने के बाद शास्त्रीय संगीत की शिक्षा इन्होंने ली, पंडित उपेंद्र भट्ट सर के पास से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। भक्ति संगीत शास्त्रीय संगीत भी इन्होंने सीखा है, और कॉलेज में जाने के बाद फिर सुरेंद्र अकोलकर सर जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं तो इनके साथ इन्होंने म्यूजिकल शोज़ में काम करना शुरू किया। 5 साल से संस्कार भारती पुणे, इसमें इनका महत्वपूर्ण काम रहा है, और पेशे से तो ये है ऑर्गेनिक गार्डन कंसल्टेंट एंड लैंडस्केप डिज़ाइनर, स्पेशली वर्टिकल गार्डन्स। और ये जो इनके कई स्टूडेंट्स हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि वॉइस ऑफ पुणे जो हमारा ग्रुप है पुणे फेस्टिवल बैनर के अंडर हम लोग ये कंपटीशन लेते हैं, तो आनंद कल्याणी ने उसमें अवार्ड जीता है, तो तालियों से इनका स्वागत करें। हमारी दूसरी साथी है लक्ष्मी जी।
ये ओरिजिनल इंदौर से है, 17 साल पहले पूना आई और आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर 15 साल से काम कर रहे हैं। संगीत में रुचि होने के कारण आईटी प्रोफेशनल को अलविदा करके संगीत और लेखन से ये जुड़ गई। शास्त्रीय संगीत की तालीम भी कर रही हैं। इन्होंने उर्दू में 70 से ज़्यादा गज़लें लिखी है। इनका तखल्लुस बाली है और जल्दी ही इसी नाम से इनकी एक गज़ल की किताब प्रकाशित होने के मार्ग पे है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्मी जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पूरा प्रोग्राम है अभी आप जो देखने जा रहे हैं, तो इसके जो कंसेप्ट है तो ये इनकी ही है। इसके बाद हमारे चौथे साथी है वसीम काजी, मीरज गांव से है, जो कि एक सिटी ऑफ म्यूज़िक कहलाती है। 12 साल पहले ये नौकरी की तलाश में पूना आए और हम लोगों से मिले। पूना में यह एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद मोहसिन मीरजकर साहब से ली है और पंडित राजेंद्र कंदलगांवकर इनके पास भी शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहे हैं। सूफी संगीत और गज़ल में भी इनकी रुचि है। कई सारी संगीत महफिलों में इन्होंने गायन किया है। इन्होंने काफ़ी सारे रेडियो जिंगल्स लिखे हैं और कंपोज भी किए हैं और ये एक बहुत बड़े अच्छे शायर भी हैं। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ कि बदल जाऊंगा। दर्द घबरा के ये कहता है कि शबे फुरकत में आह बनके तेरे पहलू से निकल जाऊंगा। मुझे समझा हो ना साहिर कि मैं एक दिन खुद ही, मुझे समझा हो ना साहिर कि एक दिन मैं खुद ही ठोकरें खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। दोस्तों ये थे साहिर भोपाली साहब और कुछ भूले बिसरे पंक्तियों को ताज़ा करने की मैंने कोशिश की है। आज हम सब लोग गज़ल के ख़ास अंदाज के साथ आपके खिदमत में पेश हुए हैं। चुनिंदा गज़लों का गुलदस्ता आपके खिदमत में पेश करते हुए हमारे सभी साथियों को बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर हमारे सभी साथी आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों आज हमने कुछ फिल्मी और कुछ नॉन फिल्मी गज़लें चुनी हैं और इसके बीच में मैं आपसे गज़ल का परिचय कराने की कोशिश करूंगी और आप सबको ये हमारी कोशिश अच्छी लगेंगी, क्योंकि दोस्तों गज़ल के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना एक सुखद सा एहसास है। पूरी दुनिया में ये साहित्य का मानो एक अजब नमूना है। हम सब लोग जानते हैं कि गज़ल सबसे पहले अरेबियन भाषा में, फिर उसके बाद पर्शियन भाषा लेकर बाकी हिंदुस्तानी भाषा में आई, लेकिन इतनी सी जानकारी इसके लिए काफ़ी नहीं है। गज़ल के जन्म से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार कैसे हुआ, इसकी जानकारी हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो लीजिए हमारे अंदाज़े बयां इस कार्यक्रम में सबसे पहली पेशकश करने के लिए यहाँ पर मौजूद है लक्ष्मी जी। अंदाज़े बयां कार्यक्रम का आगाज़ आप करेंगे और मैं अनुराधा भारती हमारी सभी ग्रुप की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। तो जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें लक्ष्मी जी हमारे। पाई फूलों का मजा
चलते हैं। गज़ल का जन्म तकरीबन हज़ारों सालों से भी पहले अरेबियन कसीदों में हुआ। अब ये अरेबियन भाषा में इन्हें कसीदे कहाँ करते थे। अब ये कसीदे क्या होते हैं, तो उस ज़माने में शायर लोग राजाओं को रिझाने के लिए, उनकी तारीफ़ या प्रशंसा करने के लिए कसीदे गाया करते थे और इसी से अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। तो अब तारीफ़ या प्रशंसा करने के लिए दुख दर्द की बातें तो नहीं की जा सकती, तो बस इन कसीदों में शबाब, शराब, औरत, इन सब बातों का जिक्र होने लगा और आगे जाके इससे ही गज़ल का जन्म हुआ। तो यहाँ तक अरेबियन भाषा चलती थी, फिर पर्शियन साहित्य लेकर गज़ल ईरान में आई और यहाँ पर इसे फारसी भाषा में पढ़ा गया, लिखा गया। इस्लामिक पीरियड में देखा गया तो उमैयाद के काल से गज़ल का महत्व प्राप्त हुआ और फिर यूँ कह सकते हैं कि इन कसीदों से निकलकर गज़ल प्योर पोएटिक फॉर्म में आ गई। आइए आगे बढ़ते एक और प्यारी की रचना की ओर, आशाताई, जिन्हें आशाताई ने ये गज़ल गाई है अपनी खुद की अलग स्टाइल, अलग ढंग से, और आपके सामने ये पेश करी है किशोरी जी। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो। बागी इसमें
हमारे मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, मंजरी ते आले कावगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मैं आपसे परिचय करा दूँ। मंजरी ताई पूना से है, शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण नाम है। इनके पिताजी पंडित मोहन कर्वे ये एक उत्तम शास्त्रीय संगीत के गायक थे और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे इनके उनके शिष्य थे। तो जाहिर है कि मंजरी ताई को भी बचपन से ही गाने में रुचि पैदा हुई। पंडित नवनीत भाई पटेल इनके पास कुछ साल शास्त्रीय संगीत की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद रिनाउंड शास्त्रीय गायक संगीत और समीक्षक वामन राव जी देशपांडे इनसे जयपुर घराने के गायकी की शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली है। इसके साथ सुगम संगीत, नाट्य संगीत, उर्दू, गज़ल इस विषय में भी इनकी रुचि रह चुकी है। इन विषयों में भी उन्होंने अभ्यास किया है और बहुत सारे महफिलों में अपने गायकी की पेशकश की है। सुधीर फड़के जी इनके यहाँ से सुलश्री प्रतिष्ठान की और संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता, इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थाओं से संगीत शास्त्र संगीत के विषय में शास्त्रीय संगीत के विषय में शिक्षा लेने के लिए इन्हें स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। पूरे भारत भर और भारत के बाहर भी देश विदेशों में इन्होंने अपनी संगीत की कला दिखाई है और मंजरी ताई को पंडित भीमसेन जोशी इनके हाथ से कुमार गंधर्व पुरस्कार देके नवाजा गया है। मंजरी ताई आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गज़ल के इतिहास की ओर। जब मुग़ल सरकार का राज हिंदुस्तान पर चलने लगा तो अपने साथ ये फारसी संस्कृति भी लेकर आई। यहाँ पर फिर अदालती भाषा से लेकर दफ्तर में कामकाज की भाषा तक फारसी का ही उपयोग होने लगा। फिर यहाँ के आम आदमियों ने भी फारसी सीखी और यहाँ के कवियों ने फारसी में कविता करना शुरू किया। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उन शायरों के बारे में जिन्होंने शायरी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जैसे कि हमने बताया है कि 11वीं सदी के शायर से लेकर हम बात करेंगे। 11वीं सदी में पर्शियन पोएट थे, मशहूर पर्शियन पोएट थे उमर खय्याम, तो वे एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे और उनका नाम फारसी रुबाइयों में काफ़ी मशहूर था। अब हमने बात की रुबाई कसीदों की और अब हम बात कर रहे हैं रुबाइयों। यह रुबाइयाँ भी चार लाइन की छोटी सी कविता ही होती हैं। तो आगे की रचना की ओर बढ़ते हैं। जगजीत सिंह जी ने गाई हुई ये गज़ल है फिल्म साथ साथ से, और आपके सामने ये गज़ल पेश करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ है आनंद कल्याणी जी, और इसके लिरिक्स लिखे हैं शायर जनाब जावेद अख्तर साहब ने। दोस्तों रवायत तो ये है कि इन सब शायरों का तारुफ किया जाए, लेकिन कोई शख्सियत ऐसे होते कि उनका नाम ही उनकी पहचान होती है, तो मुझे लगता है जनाब जावेद अख्तर साहब उनमें से एक है। लीजिए आनंद जी इनकी एक गज़ल आपके सामने पेश कर रहे हैं।
आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हम समझाया, आज फिर दिल को हम समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हम क्या पाया, हमने क्या खोया हम क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह साहब को ट्रिब्यूट आनंद ने देने की कोशिश की। दोस्तों हमने बात हम बात कर रहे थे उमर खयाम साहब की, जो कि 11वीं सदी के शायर थे। अब मुड़ते हैं 12वीं सदी की ओर। 12वीं सदी में दिल्ली में फारसी के एक बड़े विद्वान थे जिन्होंने साहित्य को खड़ी बोली में लिखा। उनका नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो दहलवी। उन्होंने फारसी और हिंदी में कुछ अनूठे प्रयोग किए। उस वक्त बोली जाने वाली भाषा को खुसरो ने हिंदवी कहा और फिर इस तरह आधुनिक साहित्य का जन्म हुआ। इसके बाद आया उर्दू का ज़माना। अब ये उर्दू क्या है, तो मतलब हमने अरेबियन कसीदे देखे, पर्शियन भाषा में रुबाइयाँ देखी, अब आया उर्दू का ज़माना। अब ये उर्दू का अर्थ है मोहल्ला। यह एक तुर्की लफ्ज़ है, इसे छावनी या लश्कर भी कहते हैं। बादशाह की छावनी में लश्करों में हिंदवी या दहलवी भाषा बोली जाती थी, तो उसे ज़बाने उर्दू मोहल्ला कहा जाने लगा। उसके बाद ज़बाने मोहल्ला शब्द हटाया गया और रह गया उर्दू। अंग्रेज़ों के ज़माने में उर्दू भाषा ही मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ गई और दिल्ली के साथ ये पूरे देश की भाषा बन गई। आगे बढ़ते हैं आगे की रचना की ओर। गज़ल गायकों की दुनिया का ये एक मकबूल नाम है। अब सुनेंगे इनकी गज़ल। हिंदुस्तान में तो ये बड़े मशहूर हुए हैं, लेकिन ओरिजिनली तो ये सिंगर है पाकिस्तान के, आप सब लोग जान चुके होंगे, गुलाम अली साहब। आपके सामने ये गज़ल पेश करने के लिए यहाँ पर वसीम काजी जी हैं। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता
रास्ता सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए हैं रुख से नकार आहिस्ता जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा हया यखलत आई और शबा आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से मुका आहिस्ता फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो कभी फुरसत में कर ले आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नका आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जना आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से दोस्तों अब बात करते हैं उर्दू शायरों की। औरंगाबाद के रहने वाले एक शायर थे जो उर्दू के पहले शायर माने जाते थे और उनका नाम था शाह वली अल्लाह उर्फ वली दकन्नी। तो लीजिए उनका शेर एक शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ जो कि 16वीं सदी के शायर थे। सजन तुम सुख सेती खोलो नकाब आहिस्ता आहिस्ता कि जो गुल से निकसता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता
दिल को लगती है दिल रुबा की अदा, जी में बसती है खुश अदा की अदा। यहाँ फिर गज़ल गुलो बुलबुल के फारसी किस्से लेकर चलने लगी, जिनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं था। इसके बाद 17वीं सदी के एक शायर जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारी गज़लें लिखी हैं। इनका नाम है मीर तकी मीर। ऐसे शायर ये वो शायर थे जिन्होंने इस विधि को नया रुतबा बख्शा। हालांकि मीर साहब ने भाषा को हल्का ज़रूर किया और सादगी भी बख्शी। असल में यही गज़ल के असली पिता थे। पत्ता पत्ता भूटा भूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। दोस्तों, इस शायर को खुदा ए सुखन शायरी का खुदा भी कहा जाता है। इसके बाद आप सुनेंगे शहरयार साहब की एक सुंदर रचना, जिसे संगीत से संवारा है खयाम साहब ने और फिल्म उमराव जान से ये गज़ल आपके सामने पेश कर रहे आनंद और लक्ष्मी जी। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जुदाई क्यों है,
सताती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी कभी तेरी बज़्म में लाती है हमें। ये थी तलत अजीज साहब की रचना। हम लोगों ने कुछ गज़लें, कुछ नज़्म ऐसे चुने हैं जो डुएट है वो सोलो ले रहे, और जो सोलो है वो डुएट्स ले रहे। इसके बाद शायरी दिल्ली से लखनऊ की तरफ बढ़ी, लेकिन दिल्ली में जहाँ सूफी शायरी हुई वही लखनऊ में गज़ल विलासिता और इश्क मुश्क का अभिप्राय बन गई, और फिर यहाँ से गज़ल के नन्हे से पौधे को फलदार शजर बना दिया गया। दिल्ली के आखिरी मुग़ल बहादुर बादशाह जफर, जो खुद शायर थे, उन्होंने दिल्ली में शायरी को बढ़ावा दिया। दोस्तों, आज हम फिल्मी गज़लें सुन रहे हैं, और ज़्यादा हम पुराने शायरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैं बात करूंगी एक ऐसे शायर की जिन्होंने उर्दू साहित्य को मोशन पिक्चर में लाया। इनका एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ, हो सके आप इस शायर को पहचान सके। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज़ ज़मीं भी चाहिए दो गज़ कफन के बाद। पहचाना शायर कौन है? अच्छा, मैं इसके बाद जो गज़ल आपके सामने हम लोग पेश कर रहे, उस गज़ल में से एक शेर सुनाती हूँ, शायद आप पहचाने। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। दोस्तों, ये थे शायर कैफी आज़मी साहब, और जगजीत सिंह ने गाई हुई ये गज़ल आपके सामने पेश कर रहे हैं। सोलो गज़ल है ये, लेकिन हम लोग ड्यूएट ले रहे, सही है ना? वसीम और किशोरी आपके सामने पेश कर रही है। बेकरार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है के नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है के नहीं, झुकी झुकी
तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा शायर का ज़िक्र करना चाहूँगी, उनके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी शायरी ही बहुत कुछ बोलती है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। इनका एक शेर आपको सुनाऊँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अब आपको ये इस शायर को पहचानना है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। सही बात है, गज़ल लवर्स है तो ये इतना तो मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये थे मिर्ज़ा गालिब साहब। गालिब होने का अर्थ ही शायर होना चाहिए। भारत की धरती पर साहित्य यादव के क्षेत्र में अनेक सितारे चमके, अनेक शायर आए जिनकी चमक आज तक कायम है। उर्दू साहित्य के आकाश पर चमकने वाले इस शायर का नाम ही नहीं बल्कि उनकी शायरी भी अलग अंदाज ली हुई थी। पूरे स्वाभिमान और ठस के ज़िंदगी जीने वाले इस शायर के मिजाज में भी शाहीपन था। हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। दोस्तों इसके बाद हम सुनते हैं गुलाम अली साहब ने संगीतबद्ध की हुई ये रचना, आशा भोसले जी ने गाई है अपनी बड़ी खूबी से, आपके सामने पेश कर रही है किशोरी। सलोना सा
चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को जगाए पिया पाए चलन है और मैं सयोना सा सजन है और मैं दोस्तों। अगर इस गज़ल के लफ्ज़ आपने गौर से सुने हो या आपको याद हैं तो प्यार करने का तरीका या प्यार व्यक्त करने का तरीका या अंदाज़ बदल गया है ऐसा मैं सोचती हूँ। प्यार एक ऐसी स्थिति है जिससे दूसरे व्यक्ति की खुशी आपके खुशी से ज़्यादा होती है, तो अपने प्रेमी के प्रति कुछ कहने का एक नया तरीका बताने की कोशिश इस शायर ने की थी, शबी अब्बास जी ने, तो जिसको आपने अभी सुना। इसके बाद आप सुनेंगे एक ऐसे शायर को जिसने मॉडर्न टाइप की शायरी की। अपनी माशूका की प्रशंसा करने के लिए कोई उर्दू अल्फाज या कठिन अल्फाज नहीं उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन बड़े सीधे साधे शब्दों में माशूका की प्रशंसा की है, जैसे कि रात, बारिश, चांद, मौसम। लेकिन दोस्तों, उनकी खूबी यह है कि उन्होंने अपने अलग ढंग से इन शब्दों को कविता या नज्म में इस तरह से उपयोग किया कि उन शब्दों को ज़िंदगी मिली, उन शब्दों में जान आ गई, और वो है नासिर काज़मी साहब। आइए सुनते हैं इनकी ही एक रचना, आपके सामने पेश कर रहे आनंद जी। ये गज़ल गाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये गज़ल गाने की कोशिश करना यानी चांद को पकड़ने जैसा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सावन रुत की पवन चली
तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजे, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। तुम याद
तुम याद आए फिर सावन ऋतु की पवन चली तुम याद आए तुम याद आए फिर सावन ऋतु की पवन चली तुम याद आए तुम याद आए तुम याद आए तुम याद आए तुम याद आए। माने के शायर लोगों की ओर गालिब साहब के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि 17वीं सदी के शायर थे। उनके साथ और एक शायर का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो कि सूफी ख्यालात के थे और उनका नाम है ख्वाजा मीर दर्द। मेरा जी है जब तक तेरी जस्तजू है जबान जब तक है यही गुफ्तगु है। तुहमते चंद अपने जिम्मे घर ले चले जिसलिए आए थे हम सो कर चले। जिंदगी है या तूफान है कोई हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों 17वीं सदी के ये दो शायर थे, इन्होंने गज़ल को ख़ास पहचान दी और गज़ल नाम हर आमो ख़ास की ज़ुबा पर आ गया, लेकिन इन दोनों की शायरी समझना भी बहुत कठिन है। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रयास ये है कि आपको गज़ल के इतिहास से परिचय करा दो और कुछ पुराने शायरों के बारे में बातें करें और आपकी पसंदीदा गज़लें सुने। तो लीजिए आपकी पसंद की अगली रचना है जो उस्ताद मेहंदी हसन साहब ने गाई है और आपके सामने पेश कर रहे वसीम जी। इसके लिरिक्स अहमद फराज साहब के हैं। मेहंदी हसन साहब के बारे में बस दो लाइनें कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से ये बड़े मशहूर गज़ल गायक है और जिन्हें किंग ऑफ गज़ल या शहनशाह गज़ल भी कहते हैं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए यार रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए यार रंजिश ही दिल ही दुखाने लिए यार रंजिश ही सही पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत
छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आप सब लोग अगर यहाँ 9:30 के बाद में भी बैठना चाहते हैं तो हम लोग वंस मोर लेंगे, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी गज़लें और बाकी है। जैसे कि मैंने बताया भैरवी में जो गुलाम अली साहब की गज़ल है वो बहुत अच्छा गाते हैं वसीम, हम में से यह सबसे छोटे हैं लेकिन तजुर्बे में हमसे बहुत बड़े हैं, इनके लिए सच्चे में जोरदार ताली होनी चाहिए। चलो एक पहला वंस मोर है तो लेते हैं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। थैंक यू दोस्तों। आप में से किसी ने सच्चा प्यार किया है? मैं यहाँ पे सच्चे प्यार की बहुत हंसे, अरे बाप रे, नहीं मैं यहाँ पे सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ। प्यार तो सभी करते हैं, सच्चे प्यार दोस्तों, प्यार एक बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है जिसे निभाना किसी के बस की बात नहीं होती। इसे तब भी निभाया जाता है जब ये दोनों तरह से बराबर हो। हम सबको, सच्ची बात है ना, हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार ज़रूर होता है। जिससे भी प्यार करो, ये मेरा अभी आपसे एक विनती है कि आप जिससे भी प्यार करो आप सच्चे दिल से करो, उसे धोखा मत दो, क्योंकि आपको अगले गाने में इसका जवाब मिल जाएगा कि जब किसी का दिल टूट जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े गीतकारों ने, बड़े बड़े कवियों ने इसके बारे में कुछ अल्फाज लिखे, कुछ लफ्ज़ लिखे। मुझे याद आता है एक गाना जो आनंद बख्शी बॉलीवुड के लिए के बारे में मैं बात करती हूँ कि आनंद बख्शी साहब ने गाने में ऐसे ही एक आशिक
के लिए कुछ अल्फाज लिखे थे उसने, अपनी बेवफा माशूका को कोसते हुए ऐसे अल्फाज लिखे थे कि तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी, मेरी तरह तू तड़पे तुझको करार ना आए कभी। म्हणजे मराठीमध्ये सांगते की इतकं प्रेम करतो तिच्यावर, पण जेव्हा ती धोका देते तेव्हा इतके वाईट शब्द तिच्याबद्दल बोलतो, मला नाही वाटत की कोणी असं बोलावं। तर 18वीं सदी के एक शायर है, इनके कुछ शेर जो है मुझे तो लगता है खास करके इनकी शायरी कुछ ऐसे ढंग की ही थी। तो इनका एक शेर में, नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान उन्हें कहते थे, उनका एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ और फिर आगे की गज़ल की तरफ मुड़ते हैं। ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। गुजर गया वो वक्त जब तेरे तलबगार थे हम, अब खुद भी बन जाओ तो सजदा न करेंगे हम। कितने आंसू बहूंगा उस बेवफा के लिए, कितने आंसू बहूंगा उस बेवफा के लिए जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। और बढ़ते हैं आगे की रचना की ओर। इसे भूपेंद्र जी ने गाया है, बशर नवाज साहब की ये अल्फाज है और आपके सामने पेश कर रहे हैं लक्ष्मी जी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
बहुत खूब।